हम पढ़ेंगे पोर्टो केवल एनास्टमोसिस। तो इसका सबसे पहले मीनिंग समझो, पोर्टो केवल क्या है। पोर्टो केवल एनास्टमोसिस क्या है? एनास्टमोसिस बिटवीन द बेना कावल सिस्टम एंड द पोर्टल वेन वाला सिस्टम। तो पोर्टल वेन ये पिंक कलर से बनाई है, इसमें क्या क्या से बन रही है? सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन आ रही है, ये वाली आ रही इन्फीरियर मीजेंट्रिक वेन, इन्फीरियर मीजेंट्रिक वेन, ये स्प्लीनिक वेन, ये स्प्लीनिक वेन में इन्फीरियर मीजेंट्रिक वेन घुस गई, और फिर ये वाली सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन में मिल गई। तो सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन एंड स्प्लीनिक वेन दोनों ने मिला के बना ली पोर्टल वेन। ये लाई राइट लोब में चली गई, लेफ्ट लोब में चली गई। लेफ्ट लोब में जब जा रही है तो पोर्टल वेन में एक और ड्रेन कर रही है अपनी पैरा अम्बिलिकल वेन। तो पैरा अम्बिलिकल वेन जब इधर आती है अम्बिलिकस से, तो अम्बिलिकस में और भी अपनी वेन्स होती हैं, कौन सी? सुपीरियर वेन्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो ये एनास्टमोस बनाती हैं, इससे क्या बोलेंगे? पोर्टो केवल एनास्टमोसिस। एक है पैरा अम्बिलिकल वेन, और फिर ये है सुपीरियर एब्डोमिनल वेन ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, सुपीरियर वेन ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखते हैं कि ईसोफेगस, ईसोफेगस का जो लोअर पार्ट होता है वहाँ पे इधर से वीनस ड्रेनेज ले जाती हैं, कौन सी? एसेसरी हेमी एजाइगस वेन, ट्रिब्यूटरीज ऑफ एजाइगस वेन है। तो यह हेमी एजाइगस वेन की ट्रिब्यूटरी है एसेसरी हेमी एजाइगस वेन, ये एजाइगस वेन में ड्रेन कर देगी आगे जाके। ठीक है, एजाइगस वेन पर सुपीरियर वेना कावा में ड्रेन करेगी। तो आप ये देखो जो ये ट्रिब्यूटरीज हैं ऑफ एसेसरी हेमी एजाइगस वेन, ये एनास्टमोस कर रही हैं विथ ईसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। ये लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है पिंक वाली। तो एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट अम्बिलिकल हो गया, तीसरा पॉइंट है एनल कैनल। एनल कैनल में इधर से आ रही सुपीरियर रेक्टल वेन, ट्रिब्यूटरी ऑफ इन्फीरियर मीजेंट्रिक वेन। तो ये सुपीरियर रीजन रेक्टल वेन है, ये एनास्टमोस कर रही है विद इन्फीरियर रेक्टल एंड मिडिल रेक्टल वेन्स। ये मिडिल रेक्टल है, इधर इन्फीरियर रेक्टल होगी। ठीक है, फिर तो एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा अपन ने ये पढ़ लिया, चौथा है डायफ्राम के नीचे ये फ्रेनिक वेन्स हैं, ये इधर एनास्टमोस कर रही हैं विथ, ये इधर से पोर्टल जो हेपेटिक वेन्स जाएंगी ना पोर्टल वेन की ब्रांच उनसे। फिर इधर अपन देखेंगे कि है ना लेफ्ट कोलिक वेन वेन है पोर्टल वेन की, वो एनास्टमोस कर रही है विथ ट्विंग ऑफ रीनल वेन, रीनल वेन एंड ट्विंग ऑफ कोलिक वेन से। और इधर है ट्विंग ऑफ स्प्लीनिक वेन जो एनास्टमोस कर रही है विद वही रीनल वेन की उससे। ठीक है, तो दीज आर इसका ये मैंने आपको समझा दी पोर्टो केवल एनास्टमोसिस होते क्या हैं, इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। देयर आर मैनी साइड्स इन द एब्डोमिनल कैविटी वेयर एनास्टमोस एग्जिस्ट बिटवीन द पोर्टल एंड द वीनस सिस्टम। दिस कम्युनिकेशन बिटवीन द वेन्स ऑफ द पोर्टो एंड द केवल सिस्टम आर इम्पोर्टेंट रूट्स। ये इंपॉर्टेंट रूट हैं फॉर कोलेट्रल सर्कुलेशन इन केस ऑफ पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्ट हो गई तो ये वाले काम करेंगी, तो कोलेट्रल सर्कुलेशन में काम करते हैं। इंपॉर्टेंट साइट ऑफ पोर्टल केवल एनास्टमोसिस अम्बिलिकस। ठीक है, अम्बिलिकस लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस, एनल कैनाल, और फिर इधर है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल सरफेस ऑफ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन जैसे किडनी के उधर, बेयर एरिया ऑफ द लिवर। क्लिनिकल पढ़ते हैं इसका। पोर्टल हाइपरटेंशन, अगर मान लो पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्ट हो गई तो पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ जाता है, इससे पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं। 40 मिली मीटर ऑफ एचजी तक हो जाता है। दिस लीड टू एनलार्जमेंट ऑफ कोलेट्रल चैनल, इससे कोलेट्रल चैनल एनलार्ज हो जाते हैं। और इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है अल्कोहल सिरोसिस ऑफ लिवर। इफेक्ट्स क्या होते हैं? स्पिनोमेगैली, स्प्लीन सूज जाती है, एसाइटिस, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी, ईसोफेगस वेरिएसिस, हेमरॉइड्स एंड कैपट मेडुसे। ठीक है, अब इसमें है ना पोर्टो केवल एनास्टमोसिस में क्लिनिकल अपन ने पढ़ लिया, ये इस तरह का आप डायग्राम बनाना, एक टेबल बनाना। हम लिखेंगे कि लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस में लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन आ रही है और ईसोफेजियल वेन। ठीक है, फिर लोअर पार्ट ऑफ रेक्टल में सुपीरियर रेक्टल वेन पोर्टल वेन का पार्ट था, मिडिल एंड इन्फीरियर रेक्टल वेन थी। अम्बिलिकस में पैरा अम्बिलिकल वेन थी, वो इधर थी क्या? सुपरफिशियल वेन ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, सीधे ऐसे लिख देना। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में थी स्प्लीनिक वेन और रेप्ट रीनल वेन। बेयर एरिया ऑफ द लिवर में पोर्टल रेडिकल्स और डायफ्रामेटिक या फ्रेनिक वेन। फॉल्सिफॉर्म लेगामेंट होता है लेवर में, वहाँ पे पैरा अम्बिलिकल वेन ही आती है और डायफ्रामेटिक वेन और लेगामेंटम वेनोसम लेवर के में ही होता है। इधर होती है लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन और
इनफीरियर वेना कावा। तो इस तरह से आपको ये पढ़ करना है, पोर्टो वीना एंड वीन पोर्टो सिस्टेमिक कम्युनिकेशन पोर्टो केवल एनास्टमोसिस।